ठीक है डाल दो फोन पे डाल दो नंबर पे हां भी शोर में होने वाला है जी जी आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार अभिनंदन मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बंधुगण रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोगते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर, रोज सहलाते हैं पाकिस्तान के पीठ को, खंजर भोगते हैं हिंदुस्तान के पीठ पर, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो, फिर कहते हैं हमें देशद्रोही ना कहो, तुम पे छोड़ते हैं हम, तुम पे छोड़ते हैं हम, बताओ इनको क्या कहें, बताओ इनको क्या कहें। द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट द कांग्रेस पार्टी हैज शोन टुडे, जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जी चाहता है उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, एक डेमोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज करने का मन कर रहा है। रोज पाकिस्तान के पीठ को आप सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, रोज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस फोर्सेस, हिंदुस्तान के जवान, उनके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार, उनके ऊपर आप आघात करते हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं। आज जिस प्रकार का स्टेटमेंट अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आया है, हम उसका घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कंडेम्स द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अधीर रंजन चौधरी द एलओपी ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड मिस्टर रणदीप सिंह सुरजेवाला द मीडिया हेड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ है, वो गिरफ्तार हुआ है कुछ आतंकी गतिविधि में सम्मिलित होने के कारण, कानून अपना काम कर रही है, इसी देश के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और कानून अपना काम जरूर करेगी, मगर कांग्रेस हैज डन व्हाट इट इज बेस्ट एट, अटैक इंडिया एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। पूरे इस प्रकरण के पश्चात कांग्रेस ने वही किया है जिसमें कांग्रेस सक्षम है, जिसमें कांग्रेस निपुण है, जिसमें कांग्रेस पारंगत है, और वह है भारत के ऊपर हमला और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस ने तुरंत आओ देखा ना ताओ अधीर रंजन चौधरी ने मिनटों के अंदर धर्म ढूंढ लिया। आतंकवाद के ऊपर धर्म की राजनीति करना यह सदैव से कांग्रेस का तरीका रहा है। सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद, यह शब्द किसी ने कॉइन किया था तो वह कांग्रेस पार्टी है। एट द बिहेस्ट ऑफ सोनिया गांधी द कांग्रेस पार्टी हैड कॉइन द टर्म सैफरन टेरर। We have debated, we have discussed n number of times about this issue of Hindu terrorism and saffron terror. Hindu Pakistan ban jayega Bharat. Yeh bhi ek aisa phrase hai jo Congress party bahut samay keh chuki hai. Shashi Tharoor ho ya Randeep Singh Surjewala ho ya Chidambaram ho, aksar is prakar ke bayanon ko wo aage badhate hain. Char dinon pehle isi Congress party ne Modi ji ke upar hamla karte hue, mujhe yaad hai Tarun Gogoi ne kaha tha कि मोदी जी हिंदू जिन्ना है, हिंदू पाकिस्तान, हिंदू जिन्ना, हिंदू आतंकवाद, हर बात पे हिंदुओं के ऊपर हमला करना, कहीं ना कहीं हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास करना। राहुल गांधी जी का वो विकिलीक्स भी हमें याद है जिसमें अमेरिका के कॉन्वॉय से कह रहे हैं, एनवॉय से कह रहे हैं कि हमें सिमी से डर नहीं है, हमें इस्लामिक आतंकवाद से डर नहीं है, हमें तो हिंदुओं से डर है, भारत को अगर खतरा है तो हिंदुओं से है। बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कल हमने जामिया में भी, जब कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर भाषण कर रहे थे, उस समय एक प्लाकार्ड देखा था, वो प्लाकार्ड में लिखा हुआ था
बाटला हाउस एनकाउंटर फेक एनकाउंटर। शुरू से ही बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर सोनिया गांधी जी का जो नरम रवैया, जो सॉफ्ट अप्रोच आतंकवादियों के प्रति रहा है, वह भी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन हिंदुस्तान में रहा है। 3 दिन तक मैं सो नहीं पाई मृत आतंकवादियों को देखकर। यह सलमान खुर्शीद जी ने कहा था कि सोनिया गांधी जी डिस्टेबिलाइज हो गई थी 3 दिन तक, क्योंकि 3 आतंकवादी मारे गए थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के जो ये बयानबाजी थी, ये जो स्लोगनरिंग था, उस स्लोगनरिंग के साथ खड़े होने गए थे राहुल गांधी, तो स्वाभाविक रूप से आतंकवादी, आतंकवाद और उसमें धर्म ढूंढना और इन सब विषयों को राजनीतिक चक्की में डालकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रस निकालने का प्रयास कांग्रेस पार्टी आरंभ से ही करते रही है। बंधुगण, एक पहलू तो यह आतंक और धर्म का है। दूसरा पहलू जो अधीर रंजन चौधरी जी के ट्वीट से निकल के आता है और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के प्रेस वक्तव्य से निकल कर आता है, वह है कि पुलवामा अटैक को फिर से जीवित किया जाए, उसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसने किया है ये पुलवामा अटैक। कांग्रेस पार्टी, मिसेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आई एम आस्किंग यू ऑन द कैमरा, डू यू हैव एनी डाउट एज टू हू वर द परपेट्रेटर्स ऑफ द पुलवामा अटैक? क्या किसी प्रकार का संशय है आपके मन में, किसने आतंकवादी हमला भारत पे किया था, किसने पुलवामा हमला किया था? इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? आई चैलेंज द कांग्रेस पार्टी एंड आई चैलेंज द कांग्रेस प्रेसिडेंट टुडे, इफ शी डाउट्स एज फार एज द परपेट्रेटर्स ऑफ द पुलवामा अटैक इज कंसर्न, शी शुड कम ऑन द कैमरा एंड शी शुड डिक्लेयर सो। आप कैमरे में आइए और आज आप ऐलान करिए कि आपको हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के ये पूरी जो प्रक्रिया चलती है इंटेलिजेंस की, धरपकड़ की, सरकार की, इन पर आपको विश्वास नहीं है। और आप अगर मानते हैं कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला नहीं कराया, तो किसने कराया? आप आके कैमरे पे बोलिए। व्हाई डू यू वॉन्ट टू गिव क्लीन चिट टू पाकिस्तान? सवाल आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी से कि आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की ये जो भरसर प्रयास है, कोई आज का प्रयास नहीं, 26/11 जब हुआ था, 26/11 जब हुआ था, तो सोनिया गांधी जी ने भेजा था उस समय दिग्विजय सिंह जी को कि आप जाके कहिए कि 26/11 आरएसएस की साजिश, 26/11 वॉज डन बाय आरएसएस। उस समय भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम 26/11 के मुंबई हमले के समय कांग्रेस पार्टी कर रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होता है तब भी आपको हिंदुस्तान के आर्मी के ऊपर, आर्मी के वक्तव्य के ऊपर, सरकार के वक्तव्य के ऊपर, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के ऊपर आप विश्वास नहीं करते। यू कीप ऑन आस्किंग फॉर एविडेंसेस, आप सबूत मांगते हैं, और अब पुलवामा के हमले के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, दीज आर टू मेनी कोइंसिडेंसेस। एक बार जुबान फिसल सकती है, दो बार जुबान फिसल सकती है, वो जुबान जो बार बार फिसले, वो जुबान किसकी बोली बोल रही है, ये हिंदुस्तान पूछेगा। ये कांग्रेस की जुबान फिसल नहीं रही है, ये कांग्रेस की जुबान पाकिस्तान की बोली बोल रही है। बंधुगण, 3 दिन पहले आर्मी चीफ जनरल नरवाणे जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वी आर रेडी फॉर टेकिंग द पीओके ऑल्सो। उस समय आपने देखा होगा आर्मी चीफ के बोलने के चंद मिनटों के पश्चात अधीर रंजन चौधरी ने टॉट कसते हुए, विथ सार्कैज़म, मजाक करते हुए आर्मी चीफ के ऊपर उंगली उठा दी कि तुम काम करो, बोलो मत, यू वर्क, यू डोंट स्पीक। इज दिस द वे यू टॉक टू द आर्मी चीफ? आप भारत के आर्मी के चीफ के ऊपर, उन्हें सड़क का गुंडा आपने कहा, नए आर्मी चीफ को आप टॉट कस रहे हैं, आप उनको सार्कैज़म से बात कर रहे हैं और आप कह रहे तू काम कर, तू बोल मत, और यहां आप पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। आखिर मसला क्या है, ये माजरा क्या है? ये वही अधीर रंजन चौधरी है बंधुगण, और कोई छोटे पद पे नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होके जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की बात चल रही थी, उसे हटाने की बात चल रही थी, ये वही अधीर रंजन चौधरी है जिन्होंने खड़े होकर हिंदुस्तान के संसद में कहा था, क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया है, क्या आपने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन से परमिशन लिया है, क्योंकि ये तो बायलैटरल मसला है। जो व्यक्ति हर विषय, जो पार्टी हर विषय में
पाकिस्तान का हितैषी नजर आए उनका जुबान नहीं फिसलता है, उनके मन में खोट है, उनके मस्तिष्क में खोट है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एक स्टेटमेंट दिया है जो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र सिंह मात्र एक मोहरा है, ही इज जस्ट अ पॉन, हु आर द रियल कॉन्स्पिरेटर्स द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड से। ये बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट है। किसकी पुलिस है? आप तो हर दिन कहते हैं दिल्ली में ये पुलिस तो अमित शाह की है, ये पुलिस तो बीजेपी की पुलिस है। किस पुलिस ने गिरफ्तार किया देवेंद्र सिंह को? उसके बाद इस प्रकार का सवाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे उठाना, इस प्रकार का सवाल हिंदुस्तान के गृह मंत्री पर उठाना, एट हूज बिहेस्ट मिस्टर सुरजेवाला, मिस्टर राहुल गांधी एंड मिसेस सोनिया गांधी आर डूइंग दिस, किसके बिहेस्ट पे आप ये कर रहे हैं? मैं आज खुलेआम कहना चाहता हूं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, वरना बार बार वही जुबान। अब मैं आपको देखिए, अभी तो एक बजा है, आप देखिएगा शाम के 6 बजे तक हाफिज सईद और इमरान खान दोनों का ट्वीट आ जाएगा समर्थन में, हेडलाइंस चलने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के टीवी में, पाकिस्तान की मीडिया ने इस विषय को उठा लिया है। और मैं आपको बिल्कुल कहता हूं, आप इंतजार करिए, देयर वुड बी ए टाइम अगेन बाय 6 PM टुडे व्हेन हाफिज सईद विल से आई लव यू कांग्रेस, बिकॉज इससे पहले भी हाफिज सईद ने कहा था कि मैं कांग्रेस से बहुत प्यार करता हूं। शाम तक पुनः वह अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा कांग्रेस के साथ हाफिज सईद, और इमरान खान तुरंत एक डॉसियर बनाएंगे, और राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी के इन्हीं वक्तव्यों के साथ वो UN भागेंगे। आपने पिछली बार भी देखा, यूनाइटेड नेशन में जो डॉसियर दिया गया था, जो डॉसियर इमरान खान ने दिया था, वो टेररिस्तान ने जो डॉसियर दिया था, उस डॉसियर में नंबर 1 पे राहुल गांधी का नाम था, नंबर 1 पे। राहुल गांधी, व्हाई आर यू एक्टिंग एज एन अलाय ऑफ पाकिस्तान इज अवर क्वेश्चन। आप राजनीति करिए, हिंदुस्तान पे हर विषय पे प्रश्न पूछिए, किंतु हर विषय पे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम ये आप जो कर रहे हैं, और पाकिस्तान को केवल ऑक्सीजन नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं, इन्होंने अपना एनवॉय भेजा था कांग्रेस पार्टी ने जाके पाकिस्तान में मोदी के खिलाफ कैंपेनिंग करने के लिए, मोदी को हटाना होगा। ये ऐतिहासिक सेंटेंस किसने कहा था? मनी शंकर अय्यर। पाकिस्तान के मीडिया में बैठ के एंकर के सामने ये कहना कि मोदी को आपको हटाना होगा, वो तो वहां का एंकर अवाक रह गया और कह रहा है हम कैसे हटाएं? कुछ तो रिश्ता है, सम कनेक्शन बिटवीन दीज टू, पाकिस्तान एंड द कांग्रेस पार्टी, वरना ये बार बार नहीं होता। Too many coincidences show that there is some kind of conspiracy which is brewing inside. Bandhugan, ये बहुत ही आज दुखद विषय है, बहुत दुख के साथ हम ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, मगर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रही है, this does not behove of a political opponent. This behoves of some kind of larger conspiracy. गैरों से निपट लेना तो बिल्कुल आसान है, गैरों से निपट लेना तो बिल्कुल आसान है, हमने करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, गैरों से निपट लेना तो बिल्कुल आसान है, अपनों में गैर छुपा है पर्दा को डाल के, अपनों में गैर छुपा है, पर्दा नहीं नकाब पहन के, अपनों में गैर छुपा है नकाब पहन के, जब अपने ही दगा दें तो दुश्मनों का क्या, जब अपने ही दगा दे तो दुश्मनों का क्या, अपने ही घर में रखे हैं हम अजगरों को पाल के, अपने ही घरों में रखे हैं हम अजगरों को पाल के। अब बाकी अजगरों का नाम मैंने नहीं लिया है, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज लेफ्ट द पीपल ऑफ इंडिया, ये अजगर कौन है, ये अजगर कौन है जो अपने देश को, अपनी मां को निगल जाना चाहता है, ये अजगर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया विल गिव दिस अजगर अ बिफिटिंग रिप्लाई डेमोक्रेटिकली। और बंधुगण, अभी मैं जब आया टीवी पे, इन्हीं अजगरों द्वारा कुछ ग्रेफिटी चलाया जा रहा था टीवी पे, मैं काट के लाया हूं, मैंने चैनल्स के नाम काट दिए हैं ताकि आप सब इसे देख सके, मोदी डाय, ये आप चलाएंगे, मोदी तुम मर जाओ, इस प्रकार का ग्रेफिटी आप चलाएंगे, अब दिस काइंड ऑफ प्लेकार्ड्स यू विल होल्ड। ये चैनल्स में मैं प्रिंट आउट निकाल के ला रहा हूं, बेंगलुरु के अंदर जिस प्रकार की आप पोस्टर्स और ग्राफिटी चला रहे हैं, विशिंग डेथ टू आवर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज एब्सोल्यूटली कंडेमनेबल। आप प्रोटेस्ट करिए, बट फॉर गॉड सेक डोंट टर्न एनिमी टू योर ओन स्टेट बाय विशिंग डेथ ऑफ आवर बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर।
व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? बहुत सारे स्टेटमेंट है, आरएसएस टेररिस्ट, मैं ये सब दिखाना नहीं चाहता हूं, मगर आई वॉज रियली कॉट अप विद दिस ग्रेफिटी विच इज एक्सट्रीमली 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 कंडेमनेबल. थैंक यू माई फ्रेंड्स. एनी क्वेश्चन? अजगर एक ही बार निकलता है, उसी में पकड़ना पड़ेगा. अब अजगर आपके सामने है, बार बार अजगर नहीं निकाला जा सकता है. नहीं, सामने ही है, देश के सामने है आप, मतलब आप ही तो देश है. राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चैलेंज दिया है स्टूडेंट्स के बीच जाने के लिए. प्रधानमंत्री 2019 में लोकतांत्रिक तरीके से वोट के माध्यम से सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए. स्टूडेंट्स अर्थात यूथ, महिला, बच्चे, बड़े, प्रौड, प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबके बीच में जाके अपने विजन और अपने पॉलिसी को रखने के बाद वो इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने. किंतु भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, इंशा तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा. फ्री कश्मीर, ये जो दहशतगर्दी है कश्मीर में, उसके पीछे वर्दी है. आपको क्या लगता है इसके पीछे प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए? इसके पीछे आपको और मेरे को खड़ा होना चाहिए? इसके पीछे केवल और केवल राहुल गांधी खड़े हो सकते हैं. देश के संविधान को मानने वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता. नहीं, राहुल गांधी कहते हैं कि राष्ट्र को विचलित करने वाली राजनीति मोदी जी कर रहे हैं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राहुल गांधी जी का निकनेम राष्ट्र नहीं है. राहुल गांधी जी विचलित हैं, राष्ट्र विचलित नहीं है. इसलिए राहुल गांधी जी ये जो खुशफहमी में रह रहे हैं कि वही राष्ट्र हैं, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, राहुल इज इंडिया एंड इंडिया इज राहुल, ऐसा नहीं है. ही इज नॉट राष्ट्र. वो विचलित जरूर है, राष्ट्र विचलित नहीं है. ओनली लेडी हैज कम. He has given a clarification also. मैं इसको हिंदी में भी बोल दूंगा. He has given a clarification also, and he has said that every country has the right to protect one's border. Every country has the right to look after its national security as frame policies for the immigration. So of course that's what the government of this country has done. We have framed policy. We are looking after our national security, and we are looking after and protecting our borders. As far as Nadella ji saying that, well, he would be happy if some immigrant Bangladeshi becomes the CEO of Microsoft tomorrow, I would say that, well, yes. I mean, as far as immigrants are concerned, there is a process of citizenship in this country. Anyone can apply for citizenship, even the Prime Minister has said. Once they apply for the work permit, once they apply for citizenship, if they become citizen, as many have become citizens, of course, they can do whatever constitution bestows upon them in this country. देखिए, जहां तक सत्य नडेला जी का ये जो वक्तव्य कल आया था, उसके बाद उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है. उन्होंने कहा है कि कोई भी राष्ट्र, उसका ये अधिकार है कि बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर वो आईन बनाए, वो कानून बनाए, अपने नेशनल सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हो, और सिटीजनशिप को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर वो कानून बनाए. हमारी सरकार ने भी संविधान संवत तरीके से यही किया है. जहां तक नडेला जी का ये कहना है कि वो खुश होंगे अगर कोई इमिग्रेंट बांग्लादेशी, कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी किसी दिन हिंदुस्तान में किसी कंपनी का सीईओ बने, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे, इसका प्रावधान हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इस रूप में है कि कोई भी व्यक्ति भारत में तय रूल्स के अनुसार अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए. अगर उसे नागरिकता मिलती है या उसे वर्क परमिट मिलता है, तो वो भारत में काम भी कर सकता है और अपने टैलेंट के आधार पर कहीं भी आगे बढ़ सकता है. नहीं नहीं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन में दुख नहीं जताया है. देखिए, जहां तक महंगाई और जहां तक इकोनॉमी का विषय है, आप सबने देखा होगा 2014 से पहले की एक स्थिति जहां महंगाई डबल डिजिट में, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में पहुंची हुई थी, और ग्रोथ रेट जीडीपी जो है वो इस प्रकार से नीचे आई थी कि ये जो रेड कॉरिडोर था बिटवीन द जीडीपी एंड द इन्फ्लेशन, इट वाज अ ह्यूज रेड कॉरिडोर गिविंग आउट
ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी टू द पीपल ऑफ द कंट्री. अभी आप देखिए इंडिया डिस्पाइट द ग्लोबल स्लो डाउन उसकी जीडीपी अपने फंडामेंटल्स के कारण एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रही है, आगे और बढ़ेगी. और इन्फ्लेशन बेयरिंग अ फ्यू फूड आइटम्स, आप प्याज इत्यादि देख रहे होंगे, ये फूड आइटम्स के रूप में आपने देखिए, आप इनको समूचा इन्फ्लेशन के प्लेट में मत लाइए. अगर अभी के इन्फ्लेशन में देखा जाएगा तो जो हमने प्रॉमिस किया था हम उसे कंटेन करके रख रहे हैं. वी आर कंटेनिंग द इन्फ्लेशन सक्सेसफुली. जो हमारा इन्फ्लेशन रेट का 4.4 से नीचे रखने का हमारा जो वादा था 3.4 भी रहा है, तो उससे हम वो मेंटेन करके चल रहे हैं. वी आर वेल बिलो वॉट वॉज ड्यूरिंग द यस्टरडेज एज फार एज इन्फ्लेशन रेट इज कंसर्न. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.